हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही होंगे कि मधुमक्खियाँ हमारे लिए कितना कुछ कर जाती हैं। शायद हम उसकी उतना कदर भी नहीं करते। मधुमक्खी हमें शहद और मोम भी देती है, साथ ही हमें यह भी सीख दे जाती है कि वह 150 मिलियन सालों से इस करिश्मे को कर रही है। इसका मतलब वह हमसे बहुत पहले से ही इतना बुद्धिमान है, बिना एक भी खाली जगह छोड़े छत्ते को बनाना सीख गई थी। चलिए आज हम जानते हैं मधुमक्खियों से जुड़े कुछ अनसुने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो पकड़ लीजिए अपने फोन को कसकर, चलिए चलते हैं इस हिंदी फैक्ट्स के रोमांचक सफर पर। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो मधुमक्खियाँ अपनी जरूरत से 2-3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं, लेकिन औसतन एक मधुमक्खियाँ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक चम्मच का 12वां हिस्सा ही शहद बना पाती है। फैक्ट नंबर 9। जब मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए फूलों से जूस की तलाश में निकलती हैं, तब वह 50 से 100 फूलों का रस चूसती हैं। फैक्ट नंबर 8। एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि शुद्ध शहद 2000 साल तक की अच्छी क्वालिटी में रह सकता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पनपने के लिए नवीन नहीं होती है। फैक्ट नंबर 7। मधुमक्खियों के 2 पेट होती हैं, एक उनके भोजन पचाने के लिए, दूसरा फल पत्तियों के जूस स्टोर करके रखने के लिए, ताकि वह उसे छत्ते तक ले जाए। फैक्ट नंबर 6। मधुमक्खियाँ 150 मिलियन सालों से शहद बनाती आ रही हैं। फैक्ट नंबर 5। मधुमक्खियों के झुंड में 98% मधुमक्खियाँ कर्मचारी यानी कि काम करने के लिए होती हैं, यानी कि एक उनकी रानी और बाकी उसके एम्प्लॉय। वैसे यह चीज आपने मोटू पटलू कार्टून में भी देखी होगी। फैक्ट नंबर 4। जैसे हर चीजों का साइंटिफिक नेम होता है, वैसे ही मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम एपियस मेलिफेरा है। फैक्ट नंबर 3। मधुमक्खियाँ छत्ते में अपने पंख को इसलिए लहराती हैं ताकि शहद से पानी जल्दी सूख जाए। इसलिए शहद में 80% चीनी और 20% पानी होता है, और शहद में पानी की मात्रा बहुत कम हो तभी बनता है शुद्ध शहद। फैक्ट नंबर 2। मधुमक्खियाँ अपने जरूरत से कई ज्यादा यानी कि 2-3 गुना ज्यादा शहद बना लेती हैं। फैक्ट नंबर 1। हम तो रात अंधेरे में मोमबत्तियाँ जलाते हैं जो मोम से मिलकर बना होता है, वह भी हमें मधुमक्खियों के उसी छत्ते से प्राप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।